खबर रायबरेली से है, जहां नगर पालिका परिषद रायबरेली में शायद किसी का भी जोर अब नहीं चलता है। कांग्रेस से सबसे ऊंची आवाज रखने वाली श्रीमती सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है ये। पालिका अध्यक्ष भी कांग्रेसी है, लेकिन यहां जनता की आवाज शायद सुनने वाला कोई भी नहीं। आज जब चैनल की टीम ने लगातार शिकायतों के बाद नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 पर पहुंची, तो वहां की जनता को लगने लगा कि सालों से जूझने के बाद अब शायद इस समस्या को हल करने के लिए वहां लोग आएंगे, लेकिन खुद महिलाएं, बच्चे, वृद्ध तक अपने घरों से निकलकर अपनी समस्याएं बताने लगे। इन सबकी समस्याएं भी एक ही थी कि हर जगह गंदगी, नाले का पानी और खुला नाला था। ऐसा भी नहीं था कि वार्ड में टीम को विकास नहीं दिखा, इंटरलॉकिंग सड़कें सभी कोनों में दिखी, उनके घरों के नीचे भी दिखाई दी, जिन्होंने बरसात के पानी से अपने परिवार को बचाने के लिए पहाड़ जैसी ऊंचाइयों पर अपना डेरा बसा लिया हो। उन जगहों पर भी दिखी जहां न आने का रास्ता हो और न जाने के, नाले में भी इंटरलॉकिंग की ईंटें देखने को मिली, लेकिन पानी की निकासी का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि अभी बरसात का मौसम नहीं है, बारिश में इस गंदगी भरे पानी के चलते स्कूल जाना तक दूभर हो जाता है। खुद देखिए जनता का क्या कहना था इस पूरे विषय को लेकर। नमस्कार, मैं संजीव मिश्रा, आनंद भारत से। कल आप लोग को दिखाया था कि जो है किस तरह नगर पालिका के बाबू और कर्मचारी अपने समय से अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, उसका खामियाजा क्या निकलता है कि आज गंदगी का अंबार गली गली में लगा हुआ है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 25 में हैं और यहाँ पे बताते हैं हम अपने कैमरा मैन से कहें कि वो गंदगी दिखा दें। ये एक छोटी सी गंदगी बताई जाती है, लेकिन इस गंदगी का कितना बड़ा विकराल रूप आता है सामने, वो बाद में दिखाएंगे। उसके लिए हम जनता के पास जाएंगे, बताएंगे कि इस गंदगी का विकराल रूप क्या है। इसका विकराल रूप जनता के मुंह से सुनिए कि ये गंदगी जो आपको लगता होगा छोटी सी नाली बह रही है, पानी बह रहा है, इसका असली रूप क्या आता है। क्या नाम है आपका? काजल कश्यप। काजल जी, छोटी सी नाली है, घर का पानी भरा हुआ है। ये हम लोगों के घरों का पानी है, यहाँ पे चाहे जितना कोशिश करते हैं कि यहाँ से पानी निकल जाए, तालाब का पानी नहीं सोचा तो यहाँ की गंदगी कैसे साफ होगी। अरे कितना पानी, अभी तो पानी भरता नहीं, तो ये कितना पानी भरता है यहाँ पे? फिलहाल एक कमर तक पानी भर जाता है। अभी भरा भी है? कैसे नहीं भर जाता है, यकीन हो तो मेरे पास वीडियो है आपको। मैडम के पास इसके वीडियो भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो है यहाँ पे पानी कितना भरता है, कमर तक। ये छोटी सी नाली जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी नाली है, ये बरसात के मौसम में कमर के पानी तक में आ जाती है। तो कभी आज पानी में कभी शिकायत दिया जाए? आप शिकायत क्या करना, सभासद से कहा गया था तो उन्होंने मोटर लगवा दी है। कौन सभासद है? वार्ड नंबर 16 सभासद कौन? पहले थे, अब अनाजी। तो शिकायत होती तो कोई काम नहीं? काम होता है, ऐसा नहीं है। मतलब उनसे शिकायत की गई थी तो उन्होंने मोटर लगवा दिया, बल्कि अभी यहाँ पे कोई नगर पालिका वगैरह कोई आया नहीं है, झाड़ू वगैरह कुछ लगती नहीं है यहाँ पे जल्दी से। तो ये थी वार्ड नंबर 16। नाजिम सभासद पहले भी रह चुके हैं, इस वक्त उनकी पत्नी नूर जहाँ सभासद हैं, और हम चलते हैं। इसके अंदर भी कुछ महिलाएं लगातार शिकायत दर्ज करवाती आ रही चैनल के माध्यम से कि आप नगर पालिका की जब लगातार खबर चला रहे हैं तो क्यों नहीं जो है हम लोग के वार्ड में आके हम लोग की समस्याओं को देखते हैं कि क्या समस्याएं हैं। आज हम इनकी समस्याओं को देखने के निकले हैं कि वार्ड में कितनी समस्याएं हैं, और देखिए समस्याओं के नाम पे जो है ये समस्या दिखने का आती है कि हाँ, नालियाँ घर में जो है पानी भरा हुआ है, पानी भरने की वजह से जो है आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। हमारे साथ में भाई साहब, इन सब भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम नलेश कुमार है। नलेश जी, क्या दिक्कत आती है आपको? ये नाली भर जाता है पूरा पानी, कमर तक पानी हो जाता है, पढ़ने लिखने में बच्चे को दिक्कत होता है। तो अभी तो कोई समस्या है नहीं, तो उसकी शिकायत भी करते हैं? समस्या तो बहुत है, अभी अभी भी पानी भर जाता है पूरा। तो बरसात भरता है? बरसात में नहीं, अभी भर जाता है। तो ये था कि यहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है, लोगों को समस्याएं होती हैं आने जाने में। बच्चे देखिए कितने हैं, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ये इन लोगों का कहना है। आइए हमारे दादी जी हैं, इनसे पूछा जी कितना पानी भरता है यहाँ पे? अरे दीवार के बराबर? अच्छा, ये घर भी ऊँचा इसलिए बना है? ये समस्याएं थी। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और जगह पे बताएंगे आपको कि कितनी समस्या इस वार्ड में है। ये हमने दिखाया था कि वार्ड में कितनी सुविधाएं दे रखी हैं, नल है, समर्सिबल लगा हुआ है, मंदिर बना हुआ है, पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ के लोग बताएंगे, इन महिलाओं से पूछते हैं कि आखिर क्या क्या समस्या है और पानी कितना बचा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम
गुड़िया जी कितना पानी भरता है यहाँ पे? ये पूरा यहाँ पर भरा हुआ रहता है, पानी नहीं। अच्छा अभी तो ये साफ है, तो कभी शिकायत की कि यार पानी अब साफ है तो हमने इसको ऊंचा कर दिया जाए, रास्ता दे दिया जाए? ऊंचा करने से भी तो अभी जिससे नहीं बना रहा है तो गलती पूरा घर जाके पानी लगावा करा, तो बरसात में पानी भरेगा? बरसात में तो घर नहीं भरेगा। अरे कितने साल से रह रही है आपको यहाँ पे? 15-16 साल से। तो 15-16 साल में कितनी बार पानी भरा देखा यहाँ पर? यहाँ पर कम से कम 10-12 लोग देखे। नहीं कितने साल से देख रही हैं? अरे जब से हम आए भैया जब से उसका 3 साल बाद से हमने यही पानी भरा देखा। मतलब बता रहे 15 साल पहले यहाँ आए, 15 साल से लगातार यहाँ पे पानी का भराव देख रहे हैं। मतलब क्या नाम है आपका? अंकिता जी कितना पानी भरता है ये, और पानी जाता कहाँ पे निकलते हैं? कहूँ नहीं निकल के जाता है, यहाँ से धीरे धीरे पानी जाता है, वो मोटर चलता है तो निकलता है ना, कोई चीज़ हम सब तो यहाँ से हेल कितना पानी में जाते हैं और इधर दुकानों अच्छा ये बताइए इतनी महामारी डेंगू मलेरिया फलेरिया सब फैलती है तो कभी डर नहीं लगता बच्चे छोटे छोटे हैं यहाँ पे? डर कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनता है, बस यही समस्या कोई नहीं सुनता। हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं। असली बात तो ये कि इनको भी कह सकते हैं कि दिन नियत मतलब नहीं है, लेकिन समस्याएं तो उनके साथ भी हैं। और जी क्या नाम है आपका? सुरेश पासवान। सुरेश जी कितना पानी भरता है यहाँ पे? बहुत भरता है सर, कि यहाँ पानी इतना पानी में आते हैं जाते हैं, कोई निकासी नहीं है पानी। अच्छा तो शिकायत कभी की है? शिकायत तो बहुत की है, बाकी कहने वाला कोई रहने नहीं करता सर। अरे कितने साल से रह रहे हैं? बहुत दिन से रह रहे हैं। साल बताइए। साल की 43 साल। हाँ तो क्या साल से पानी भरा देख रहे हैं यहाँ पे? बहुत दिन से देख रहे हैं। दिन नहीं साल बताइए, क्या साल से पानी भरा हुआ है यहाँ पे? करीब 18। हाँ अरे कुछ 18 साल से भर रहा है। 18 साल। हाँ कोई निकासी वाला कोई नहीं। अब ये नगर पालिका के बहुत ही सभासद को है? सभासद तो रहा पहले, अब नाजिम हो गया। उसकी पत्नी ना है सभासद ना? हाँ नाजिम, नाजिम की पत्नी की नाजिम सभासद है? नाजिम है सर, नाजिम की पत्नी अच्छा नहीं हो गई। अच्छा नाजिम पत्नी सभासद है? हाँ हाँ। तो कहा नहीं कभी उससे? बहुत कहा सर, बाकी कोई सुनबे नहीं करता है। जो कोई खम्भा गिरे वाला है? अच्छा ये खम्भा इधर भी, ये देखा जा रहा खम्भा बता दिए जो शायद हमारे निगाह में भी नहीं आई कि नाली में खम्भा लगा हुआ है और जिसमें देखिए कभी भी अर्थिंग करंट से कोई भी बच्चे जो है मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हो सकते हैं, भगवान के लिए हो भी ना कभी ऐसे। खम्भा इतना पानी सर, इतना करंट आ जाता है कि बाल बुतुल पे एकदम बहुत डर है। यहाँ एक दुर्घटना हो चुका है, यहाँ एक गाय मर गई, हमने टांग कर ले दी यहाँ पानी करंट के कारण, यहाँ गाय मर गई। उसको कंप्लेन 2-3 बार गए दिया गया है, एक बार एजुकेशन को भी दिया गया है, एक बार लाइन को भी दिया गया है। ये इनका कहना है कि इस पे हमने बताया कि कोई बच्चों के साथ घटना हो सकती है क्योंकि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। हम कैमरा मैन से कहेंगे अपने पहले बार दिखा रहे बच्चे कितने खेल रहे हैं यहाँ पे और ये हाल क्या है। नमस्कार, एक जगह दिखाया मैंने कि जो है वार्ड में गंदगी कितनी है, एक जगह में दिखाया सुविधाएं कितनी है। ये लगा हुआ है हैंडपम्प सबको पानी पीने के लिए, ये बच्चों के खेलने के मैदान है, बच्चे देखिए पानी में आराम से खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले वर्ल्ड कप में हो या भविष्य के विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और जो है क्या नाम है जो भी समझे खिलाड़ी वो बनने की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ में एक मंदिर है शंकर जी का, नगर पालिका का जो है पेयजल की व्यवस्था की गई है, बढ़िया से सारी सुविधा दे रखी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन पानी ये जाए कहाँ पर इसकी कोई रास्ता नहीं। देखिए ये नाली का पानी, ये नाली जाम है और ये नाली देखिए पानी निकले कहाँ से, नाली जाम पड़ी हुई है। अब इसके साथ में हम आगे चलते हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे कि जो है एक नगर पालिका के अंदर पहाड़ी इलाका कहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अभी बने रहिए मेरे साथ, हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे। पहाड़ी इलाका बना हुआ है कि बनाया गया है कि भगवान जाने क्या है, वो ऊपर वाला जाने क्या है, लेकिन देखिए ये पानी निकासी की रास्ता कहाँ पर जाके ख़त्म, आगे नाला ख़त्म हो गया, पानी बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, पानी कहाँ जा रहा, ये पानी बताते हैं कि घूम फिर के आता है इस जो है खाली ज़मीन पर। इस खाली ज़मीन पर आने के बाद इस पानी का जो है ठहरा हो जाता है। देखिए आज भी यहाँ पे कीचड़ पानी और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं कि यहाँ पे आखिरकार क्या अंबार लगा हुआ है,
उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे पहाड़ कहाँ बना हुआ है जहाँ पे नगर पालिका के लोग। अब आइए असली झड़प ले चलते हैं कि राबड़ी नगर पालिका में पहाड़ का इलाका कहाँ पे है, कैसे रास्ता बना हुआ दिखाते हैं आपको कि उससे निकलता क्या है। सबसे बड़ी बात तो है उसमें निकलेगा कौन। आइए मेरे साथ अपने कैमरा मैन के, वो आगे आगे चलते चले रास्ता खुद बनता चला जाएगा अपने, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसानों के कदमों में इतनी दम होती है कि ठोकर से रास्ता बना लेता। तो देखिए ठोकर से शायद रास्ता बनाएगा, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है कि सुविधाएं पूरी दे रखी है, हर जगह पर इंटरलॉकिंग के ईंटें लगे हुए हैं, भले रास्ता हो चाहे ना हो, साइकिल जाए चाहे ना जाए, आदमी निकल जाए भाई गनीमत है, लेकिन व्यवस्था पूरी है। किसी भी रास्ते पर ये नहीं कह सकते कि इंटरलॉकिंग नहीं बना हुआ है, लगी हुई है, सुविधाएँ पूरी दे रखी है। लेकिन देखिए इंटरलॉकिंग कहाँ तक दे रखी है, ये पहाड़ी इलाका, चलिए ये जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए तब देखने को मिलता है कि हाँ ऊंचाई पे घर बने हुए। लेकिन ये घर बने किस लिए हैं, क्योंकि इनको पानी से अपना बचाव करना है, अपने घर का बचाव करना है, महामारी से अपने बच्चों का बचाव करना है, इसलिए घर ऊंचाई बने हैं। अब देखिए मज़ेदार बात, यहाँ तक आपने इंटरलॉकिंग देखी, अब इंटरलॉकिंग जैसे ही मकान ख़त्म होता है, सुविधाएँ देखिए कितनी तगड़ी दे रखी है, जैसे इंटरलॉकिंग ख़त्म हुआ वैसे ही जो है नाली तक भी इंटरलॉकिंग लगा दी गई। और ये देखिए व्यवस्था आगे देखिए कहाँ तक दे रखी है, सुविधाएं के नाम पे नगर पालिका कितनी सक्रिय है, कितनी सुविधाएं दे रखी है, कहाँ तक देती है, ये देखिए नाला भरा हुआ लेकिन इंटरलॉकिंग पूरे नीचे तक इंटरलॉकिंग भरी हुई है। ये है पहाड़ी इलाका सोनिया नगर का, कहते हैं इसको जो है वार्ड नंबर 16 नाजिम सभासद है नगर पालिका क्षेत्र राबड़ी का, लोग बताते हैं। अब ये देखिए इस तरह किस के लोग कैसे रहते हैं नगर पालिका क्षेत्र में, जिसको कि सांसद सोनिया गांधी का क्षेत्र कहा जाता है, राबड़ी की कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी का क्षेत्र कहा जाता है, और कई भाजपा के मंत्री भी यहां पे लगातार प्रवास निवास और प्रस्थान आगमन कर रहे हैं। उसके बाद ये हाल है नगर पालिका क्षेत्र का, कांग्रेस के ही अध्यक्ष भी हैं नगर पालिका के, उसके बाद हाल ये है नगर पालिका का, कैसे लोग यहाँ रहते हैं एक बार फिर से नगर पालिका विचार करना पड़ेगा, वरना आराम से 11 बजे तक कुर्सी बिराज आइए और कार्यालय खोल के बैठे रहिए। आनंद भाजपा संदीप मिश्रा रिपोर्ट।